हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर्वे 60% लोग चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े प्रियंका गांधी। क्या मोदी लहर को रोकेगी प्रियंका की आंधी? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। पूर्वी यूपी में ही पीएम मोदी की हाई प्रोफाइल वाराणसी लोकसभा सीट आती है। प्रियंका के आधिकारिक तौर पर राजनीति में आने के बाद सियासी अटकलों के बीच मीडिया में चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच एबीपी सी वोटर का प्रियंका गांधी को लेकर सर्वे आया है। सर्वे प्रियंका गांधी के वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर किया गया है। इसके मुताबिक जिन लोगों ने सर्वे में भाग लिया उनमें से 60% लोग पुख्ता तौर पर ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने चाहिए। सर्वे में 32% लोगों का मानना है कि प्रियंका को वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये उनके लिए घातक हो सकता है। वहीं 8% लोगों का इस पर कोई मतदान नहीं है। बता दें कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने से यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसको लेकर ठंडे पर्दे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी के सवर्ण वोटों में सेंधमारी करने के लिए प्रियंका पर बड़ा दांव खेला है। राहुल गांधी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका के नाम की घोषणा करने के तुरंत बाद दावा किया कि अब यूपी में भी कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी। क्या प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरना और यहां से वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलों आना कांग्रेस की यूपी में कांग्रेस की बड़ी ताकत दे पाएगी? यह सवाल है जिसका जवाब 2019 का लोकसभा चुनाव ही दे पाएगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।